अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पापा ने बनाया डिनर। संडे की सुबह थी और गट्टू सिंह की काफी खुश थे। पापा आज सबको मूवी पे ले जाने वाले थे और साथ ही साथ बाहर डिनर भी करवाने वाले थे। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी थे कि तभी पापा के ऑफिस से एक कॉल आ जाता है। I'm sorry बच्चों, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? पर क्यों पापा, आज तो संडे है। हाँ पापा, हमने कितना प्लान करके रखा था। सॉरी बच्चों, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ दिनों से तुम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और आज संडे को भी मुझे जाना पड़ रहा है, पर मेरी मजबूरी है। गट्टू चिंकी पापा की बात सुनकर काफी उदास हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। अरे बच्चों, ऐसे उदास मत हो, हम अगले संडे को साथ में बाहर चल लेंगे, ठीक है? मम्मी के समझाने से गट्टू चिंकी मान तो गए, पर दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। पापा ऑफिस चले जाते हैं, वो ऑफिस तो चले जाते हैं, पर रास्ते भर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि गट्टू चिंकी कितने उदास हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर जल्दी जाएंगे और गट्टू चिंकी के लिए एक सरप्राइज डिनर बनाएंगे। हेलो, हाँ मैं आज शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा और सबके लिए डिनर बनाऊंगा, क्योंकि सुबह मेरी वजह से गट्टू चिंकी काफी उदास हो गए थे ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, लेकिन एक काम करना, शाम को गट्टू चिंकी को लेकर 2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना, ताकि मैं उतनी देर में घर आकर खाना बना लूं और जब तुम लोग वापस आओ तो उन्हें सरप्राइज मिले। हाँ हाँ, ये बेस्ट रहेगा। और हाँ, मैं कोई अच्छी सी मूवी भी डिसाइड कर लेता हूँ जिसे हम लोग मिलकर देखेंगे अच्छा सा डिनर करते करते। ठीक है, ये डन रहा। अब आप जल्दी से काम खत्म करके आ जाइए। और हाँ, मुझे बता तो दीजिए कि आप क्या बनाने वाले हैं, तो मैं सारा सामान अरेंज करके रख दूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं आज स्पेशल चाइनीज खाना बनाऊंगा और उसके लिए मैं सारा सामान लेते हुए ही आऊंगा। ओके, ठीक है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर थोड़ी सी शॉपिंग के लिए चली जाती है और पापा घर जल्दी आ जाते हैं। गट्टू चिंकी अभी भी उदास थे। चलो शुरू करते हैं आज का पापा स्पेशल चाइनीज डिनर बनाना। हाँ। सबसे पहले पापा सारी वेजिटेबल्स वॉश करते हैं और फिर एक एक करके गाजर और शिमला मिर्च को अपने स्टाइल में चॉप करते हैं। फिर पापा अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट निकालते हैं और पुराने गाने बजाने शुरू कर देते हैं। चलो ये वेजिटेबल्स तो कट हो गई, अब बारी है नूडल्स बॉईल करने की। पापा एक पैकेट नूडल्स का खोलते हैं और एक बड़े से बर्तन में नूडल्स डाल के थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल देते हैं। और जब तक ये नूडल्स बॉईल होते हैं, मैं चिल्ली पनीर बना लेता हूँ। एक तरफ नूडल्स बॉईल हो रहे थे और दूसरी तरफ पैन में पनीर फ्राई हो रही थी। फिर पापा बॉईल नूडल्स को लेते हैं और पैन में उसे एकदम शेफ की तरह टॉस करते हैं। नूडल्स में बहुत स्मोकी सी खुशबू आने लगी थी। वाह, खुशबू तो सच में कमाल की आ रही है, लगता है टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसे खा के गट्टू चिंकी की सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। चलो फाइनली सारा खाना बन के रेडी हो गया है, जल्दी से इसे टेबल पे लगा देता हूँ, सब लोग बस आते ही होंगे। उधर दूसरी तरफ गट्टू चिंकी और मम्मी शॉपिंग करके लौट आए थे। मम्मी देखती है कि गट्टू चिंकी का मूड अभी भी सुबह की बात से खराब ही था। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अरे बच्चों, तुम अभी तक ऐसे उदास हो? देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अब मूड ठीक भी कर लो। नहीं मम्मी, हम तो पापा से गुस्सा है और हम ऐसे ही उदास रहेंगे। हाँ मम्मी, हम नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए हम बहुत गुस्सा है। ओहो, चलो देखते हैं, क्या पता तुम मान ही जाओ। इतना कहकर मम्मी स्माइल करते हुए गेट खोलने के लिए आगे बढ़ जाती है और गट्टू चिंकी कुछ समझ नहीं पाते। गेट खुलते ही बहुत अच्छे खाने की खुशबू बाहर तक आती है। अरे ये खुशबू क्या हमारे घर से आ रही है? पर कैसे, क्योंकि हम तो अभी अभी घर आए हैं और मम्मी ने तो कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। तभी अंदर से पापा बाहर आते हैं। उन्होंने शैब का एप्रन पहना हुआ था और टेबल पर गर्मा गर्म चाइनीज खाना लगा हुआ था। सरप्राइज! गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और भाग के जाकर पापा के गले लग जाते हैं। वाओ पापा, ये तो कितना अच्छा सरप्राइज था, खाने की खुशबू से मुझे तो भूख लग रही है। पर पापा, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो आप घर कब आए और आपने ये सब कब बनाया?
बच्चों, मैं चला तो गया था, मगर मुझे तुम दोनों के उदास चेहरे बार बार याद आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब करने का डिसाइड किया और घर जल्दी आ गया ताकि तुम्हारी ये हंसते हुए चेहरे देख सकूं। पापा की ये बात सुनकर गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो बताओ गट्टू चिंकी, क्या तुम दोनों अभी भी गुस्सा हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ और ही दिख रहा है। तो क्या मम्मी को ये सब पहले से ही पता था? हाँ बच्चों, इस प्लान में मैं पापा के साथ थी। चलो भाई, अब बातें ही करते रहोगे? सब लोग चलकर टेबल पर बैठो और मैं तब तक एक अच्छी सी मूवी लगाता हूँ। सब साथ में मिलकर मूवी देखेंगे और डिनर एंजॉय करेंगे, है ना? गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं और मम्मी के साथ मिलकर डिनर सर्व करते हैं। वाओ, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ सच में, ये आज तक का सबसे बेस्ट डिनर है पापा। फिर क्या था, सारी फैमिली साथ में खुशी खुशी डिनर और मूवी एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।